खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारत शामिल है। भारत ने कनाडा के इन आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए आरोपों को निराधार और प्रेरित बताया। इस वक्त कनाडा और भारत के संबंध बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जाहिर है ट्रूडो वोट बैंक की खातिर ये सब कर रहे हैं, एक एजेंडे के तहत भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इस बीच अमेरिका का खालिस्तान प्रेम भी सामने आ गया है। दरअसल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI एजेंटों ने कई सिख नेताओं से मुलाकात की और उन्हें चेतावनी दी थी कि उनकी जान को भी खतरा है। यानी FBI खालिस्तानियों की मददगार साबित हुई। अमेरिकी सिख वॉक समिति के समन्वयक और राजनीतिक कार्यकर्ता प्रीतपाल सिंह के हवाले से बताया गया है कि निज्जर की हत्या के बाद उन्हें और कैलिफोर्निया में दो और सिख अमेरिकियों को FBI से कॉल आई थी और FBI के लोगों ने उनसे मुलाकात भी की थी। कैलिफोर्निया स्थित गैर लाभकारी समूह इंसेफ के सहनिदेशक सुखमन धामी ने कहा कि पूरे अमेरिका में सिखों को संभावित खतरों के बारे में पुलिस चेतावनी मिली है। बता दें कि निज्जर को 2020 में भारत द्वारा नामित आतंकवादी घोषित किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाल में 40 मोस्ट वांटेड आतंकियों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें निज्जर का नाम था। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने में उसकी भूमिका थी। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब में जालंधर जिले के भारसिंगपुरा गाँव का रहने वाला था। कनाडा में रहते हुए निज्जर प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थन संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीब आया। पन्नू और निज्जर कितने करीब थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निज्जर की हत्या के बाद से ही पन्नू तिलमिलाया हुआ है और कनाडा में भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है और खालिस्तान के समर्थन में जनमत संग्रह करवाने का दावा कर रहा है। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।